हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। मेरा आज का टॉपिक प्रेगनेंसी रिलेटेड है। अभी तो समर भी आ रहा है, तो समर में आप अगर प्रेग्नेंट हैं अभी, तो समर में आपको कौन किस टाइप का फूड लेना चाहिए जो कि आपके बॉडी को हेल्थी रखे और आपको एसिडिटी से भी दूर रखे। तो इसमें मेरा फर्स्ट लिस्ट है वाटरमेलन। उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो ये बॉडी को क्या करता है, हाइड्रेटेड रखता है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। तो इसीलिए पहले तो आप बहुत सारा पानी पिए। प्रेगनेंसी में वैसे भी पानी का बहुत ज़रूरत होता है, तो पानी सफिशेंट आप पी सकते हैं। उसके बाद वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद छाछ पिए। छाछ से क्या होता है, जो हार्ट बर्न होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसको दूर करता है। आप छाछ ले सकते हैं और कोकोनट वाटर, ये स्किन को भी हेल्दी रखता है और बच्चे का स्किन को भी हेल्दी रखता है। और आपको आपके बॉडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करता है। इसीलिए आप कोकोनट वाटर पिए, वाटरमेलन, उसके बाद खरबूजा, जितना हो सके फ्रेश जूस का आप घर में बना के पिए, बाहर का नहीं। क्यूकुम्बर, जो ककड़ी है अभी तो बहुत सारा मिलने वाला है, इसको आप खा सकते हैं। ये आपके स्किन के लिए, आपके लिए और बच्चे के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद जो लाइट खाना होता है, जैसे खिचड़ी हुआ, ओट्स का आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और एक बार्ली है, वो भी पेट को बहुत ठंडा रखता है, इसको आप खा सकते हैं। मल्टी ग्रेन खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। और जो जो फूड नहीं खाना चाहिए उसका भी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, वो भी मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब आप खा सकते हैं बॉडी को मतलब ठंडक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारा हार्ट बर्न होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस होता है और उसके बाद बॉडी बहुत गर्म रहता है। और जो बच्चा है, अनबर्न बेबी है, जो आपका बेबी है, उसको मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, उसके लिए बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए आपको जितना ट्राई करना चाहिए बॉडी को कूल रखने के लिए, तो उसके लिए आपको जितना सारा पानी वाला फ्रूट्स है उसको आपको खाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फ्रूट्स है, ऑरेंज, साइट्रस फ्रूट, ये सब आपको खाना है। लाइट खाना खाना है और कौन सा खाने से दूर रहना है। और एक हाँ, लीची आप ले सकते हैं। और एक है पपाया, आपको पपाया जो पका हुआ पपाया उसको नहीं लेना है। कई कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि पपाया से खून का कमी दूर होता है, तो इसलिए आपको पपाया खाना चाहिए। तो आपका डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्लड का कमी है आप में और आपको पपाया खाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पपाया खाने से आपको एसिड हो रहा है तो मत खाइए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी मत खाइए। उसके बाद आप जो छाछ उसको पी सकते हैं, लेमन वाटर उसको ले सकते हैं। उसके बाद जो आजकल तो बहुत सारा आप घर में भी बना सकते हैं, जो एप्पल मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, इसको आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा खाना नहीं खाना है समर के टाइम। तो फर्स्ट ऑब्वियसली स्पाइसेस, फ्राइड फूड, जंक फूड और एक ओजिनोमोटो, जो चाइनीज सॉल्ट है वो बहुत हार्मफुल होता है, तो इसको तो आप जैसे भी करके अवॉइड करिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। उसके बाद अगर आपको चाउमीन खाने का मन कर रहा है, नूडल्स खाने का मन कर रहा है, घर में बनाइए, थोड़ा ऑयल कम डाल के उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा मिर्च, ये भी पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, जंक फूड। उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसको भी आप जैसे भी करके अवॉइड करिए। और टी एंड कॉफ़ी, चाय भी प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा नहीं होता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं चाय और कॉफ़ी से दूर रहिए। तो समर के टाइम आप चाय और कॉफ़ी मत यूज़ करिए, आप लेमन टी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। कोई भी अगर आप हर्बल टी यूज़ कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम कई कई बार हर्बल टी भी थोड़ा हार्मफुल होता है, एलर्जी का चांसेस रहता है। और ये सब स्पाइसेस वाइसेस इस सब से तो दूर ही रहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दूसरे फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, आपके क्या क्वेरीज हैं, आपके क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करिए, मुझे बहुत खुशी होगा आप अगर शेयर करेंगे। एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल मॉम्स किड्स।